बुरहानपुर गृह उद्योग की श्रेणी में आने वाला पावर लूम उद्योग इन दिनों बुरे वक्त से गुजर रहा है। बढ़ती महंगाई, बिजली दर और टेक्सटाइल रीडर्स एसोसिएशन की मनमानी के बीच श्रम विभाग भी अब कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। ऐसे में उद्योग के मजदूरों के लिए रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। टेक्सटाइल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दामोदर तोदी ने कहा कि कोरोना काल के चलते बाजार में सामान बिकने में दिक्कतें आ रही हैं। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि मौजूदा स्थिति पर श्रम विभाग के अधिकारी पावर लूम बुनकर और टेक्सटाइल ट्रेडर्स के पदाधिकारियों की बैठक होगी और समस्या का हल निकाला जाएगा। साधन प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है। लेबर ऑफिस द्वारा भी मतलब ने इनको जो आदेश दिया कि मजदूरी पूर्व में 24-50 जो थी वो पूरी कर दे, लेकिन आज तक उस मजदूरी को भी पूरा नहीं किया गया। हमें जो मजदूरी तय शुदा 2018 की वो मजदूरी भी नहीं मिल रही, उससे भी कम मजदूरी दी जा रही है बुनकरों को। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि महंगाई तो बढ़ चुकी है, जिस रेशो से मजदूरी बढ़ना चाहिए वो मजदूरी बढ़ोतरी के लिए भी हमने 27 रुपए प्रति मीटर की मांग की है। और अपन कोई भी भारी क्वालिटी चलाते हैं तो उसमें वो आनाकानी करते हैं, नहीं चलाते उनको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। नहीं तो जो तय मजदूरी 3 साल पहले हुई थी उसमें भी कम दी जा रही है, ऐसा बुनकर संघ के लोगों का। हाँ कुछ मैं कह रहा हूँ, जैसे 5% है, 7% लोग जो है वो करते हैं। हमने उस दिन भी तय किया था कि भाई मजदूरी कम नहीं देंगे, और हमने व्हाट्सएप भी हमने चला दिया हमारे एसोसिएशन में कि भाई उससे कम मजदूरी कोई भी नहीं दे। ये उनके माध्यम से आपस में लोग हमेशा तय करके आए हैं, तो उस समय भी बैठे बुलाई थी, तो उस समय उन्होंने कहा था कि हम 1 महीने में स्वयं चर्चा करके अपनी खुद की तरह निर्धारित कर लेंगे। संभवतः शायद उन चर्चाओं में उनकी सहमति नहीं बन पाई है। तो मैं श्रम विभाग के अधिकारी और जो हमारे SDM रेवेन्यू है बुरहानपुर के, उनकी मध्यस्थता में एक बैठक टेक्सटाइल और जो पावर लूम बुनकर है उनके बीच में करवा देंगे, और दोनों के बीच में आमसी सहमति से जो पूरा जो हमारे बुनकरों का टेक्सटाइल और पावर लूम का सेक्टर है उसको आगे बढ़ाएंगे।